हेलो एंड वेलकम टू स्टडी वडी। मेरा नाम है अविनाश सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एशिया के सबसे लंबे टनल जोजिला टनल के बारे में। ये भारत सरकार द्वारा बनाया जा रहा है जोजिला पास में, तो इसका हम लोग इम्पोर्टेंस देखेंगे, प्लस इसमें से क्वेश्चन भी आने का चांसेस है इन वेरियस एग्जामिनेशन लाइक बैंक, SSC, रेलवे, UPSC कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएंगे। जैसे कि क्वेश्चन आता है एशिया का सबसे लंबा टनल कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा जोजिला टनल। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि पास क्या होता है। पास माउंटेन के बीच में एक गैप होता है जो कि हिम सखलन के कारण क्रिएट होता है। मान लीजिए कि कहीं पर अगर बर्फ जमा हुआ है और वो वहां से हिम सखलन हो जाता है, तो वहां से क्या होगा कि वो मिट्टी को भी लेते हुए जाएगा, जिसके कारण वहां की मिट्टी धंस जाएगी और पहाड़ के अंदर, पहाड़ के बीच में एक फ्लैट लैंड क्रिएट हो जाएगा। वो लैंड को हम लोग पास बोलते हैं उसको, और उसमें बर्फ हमेशा जमा रह सकता है या फिर कभी कभी सीजन्स में बर्फ वहां से पिघल जाता है, तो वैसे सीजन में वहां पर लोगों के लिए आने जाने के लिए आसान हो जाता है। ऐसे एरिया को पास कहा जाता है। पासेस हजारों सालों से लोगों को आने जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, एक माउंटेनियस एरिया को क्रॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले जब भी लड़ाई होती थी तो हिमालय के तरफ से जो लोग आते थे वो उन पासेस के थ्रू ही आते थे। फिर हमारे इंडिया का जो ट्रेड होता था ईरान, अफगानिस्तान, इन सब एरियाज में ट्रेडर्स उन पासेस से होकर ही आया करते थे। इन पासेस पर सेटलमेंट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और डिफेंसिव आउटपोस्ट भी बनाना आसान होता है, क्योंकि ये पूरे माउंटेन के रजेड टेरेन में सिर्फ एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर एक फ्लैट लैंड होता है और वहाँ पर घर बनाया जा सके। जैसे कि हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पासेस जो हैं हिस्टोरिकली जिन्हें हम जानते हैं, जो कि खैबर पास, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है हिंदू कुश माउंटेन्स के थ्रू, और एक की ट्रेड रूट का भी रोल प्ले किया है बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया। हजारों सालों से ऐसा इस पास के थ्रू ट्रेवल होते आया है ट्रेडर्स का, और इसी पास के थ्रू आज भी काबुल, अफगानिस्तान और पेशावर के बीच मूवमेंट होते रहता है। तो आइए आगे का लेक्चर शुरू करते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने जोजिला सुरंग में निर्माण संबंधी कार्यों के लिए पहला ब्लास्टिंग शुरू किया है, और ये क्या करेगा, इस जोजिला टनल से लेह और श्रीनगर के बीच में पूरे साल तक कनेक्टिविटी बना हुआ रहेगा। जैसे कि पहले हम लोग देख सकते थे कि बर्फ के समय या हिमस्खलन जब होता था तब क्या होता था कि ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता था और आना जाना मुश्किल हो जाता था, तो ये टनल बनाने के कारण वहाँ पर साल भर पूरे कनेक्टिविटी बनी हुई रहेगी। इससे हमें ये भी फायदा होगा, आर्म फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा कि ये लोग के लिए भी कनेक्टिविटी हमेशा बना हुआ रहेगा और इन लोगों को लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। जो जिला टनल श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह को एक सुरंग के माध्यम से जो जिला पास से जोड़ देगा, और इसका समुद्र तल से 11,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर ये स्थित है। ऑल वेदर जोजिला सुरंग 14.15 किलोमीटर लंबा होगा और सर्दियों के दौरान भी सड़क संपर्क सुनिश्चित करेगा। तो इसमें हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ते हैं। यह NH1 से 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर कारगिल लेह सेक्शन को हिमस्खलन से मुक्त बनाएगा, सुरक्षा बढ़ाएगा और यात्रा के समय को 3 घंटे से 15 मिनट कम कर देगा, और इस सुरंग के अंदर स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर की रहेगी। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस है कि ये परियोजना रणनीतिक महत्व रखती है। जैसे कि जब हमारी आर्मी को क्विक मूवमेंट का जरूरत होगा, फास्ट मूवमेंट का जरूरत होगा, लॉजिस्टिक्स का जरूरत होगा, तो वो जोजिला टनल के थ्रू इजिली श्रीनगर कारगिल ले से राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11,578 फीट की ऊंचाई पर जो जिला टनल स्थित है और वहां पर हमेशा बर्फबारी रहती है, तो वहां पर वो आर्मी हमारी इजिली पहुंच पाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी वडी।